हेलो दोस्तों, इंडिया का जो फर्स्ट RRTS ट्रेन है और जो इंडिया का सबसे तेज ट्रेन चलने वाला है दोस्तों, बहुत ही जल्द, वो भी मार्च 2023 में चलने वाला है, तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो देने वाला हूँ आप लोगों को। तो वीडियो लास्ट तक वॉच करते रहना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये जो वीडियो है दोस्तों, ये RRTS ट्रेन से रिलेटेड है, और ये जो ट्रेन है दोस्तों, इंडिया का सबसे तेज चलने वाला है। इसके जो ट्रैक है दोस्तों, वो भी बहुत ही अलग है इंडियन रेलवे से, और इसके जो ट्रेन है दोस्तों, बहुत ही तेज लगभग 180 किलोमीटर के भी स्पीड से चलने वाला है दोस्तों ट्रेन है। दोस्तों ये ट्रेन जो है दो सिटीज़ को जोड़ने वाला है, दिल्ली से लेके मेरठ तक का जो सिटीज़ है वो जोड़ने वाला है, और ये जो गाजियाबाद है, गुरुग्राम है, ये सब को जो दिल्ली के जो छोटे छोटे शहर है वो जोड़ सकते हैं, और जो 55 मिनट में दोस्तों दिल्ली से लेके मेरठ तक का सफ़र भी तय करेगा, और 5 से 10 मिनट तक का अंदर जितने भी ट्रेन है वो चलाई जाएगी, मतलब सेविंग आप लोगों की जो टाइम है बहुत ही सेव होने वाला है। और जो दोस्तों रैपिड ट्रांसपोर्टेशन है दोस्तों, वो भी बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है, 5 से 10 मिनट अंतर अंतर ये ट्रेन चलाई जाने वाली है, और ये ट्रेन जो है दोस्तों एल्स्टॉम के द्वारा बनाया जा रहा है, और इसके जो डिज़ाइनिंग हुआ है दोस्तों गुजरात के सावली में हुआ है। और ये जो दोस्तों RRTS ट्रेन है, शायद आप लोगों को पता ही है, दिल्ली से लेके यूपी का जो मेरठ शहर है वहाँ तक के चलने वाला है, और दिल्ली या NCR से जुड़ा हुआ जो भी छोटे मोटे शहर है उनके बीच में चलने वाला ये जो ट्रेन है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो, गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ, गुरुग्राम, मानसेर, पानीपत, और भी दोस्तों जो छोटे बड़े शहर है दिल्ली यूपी से रिलेटेड दोस्तों, उन सभी के जितने भी मतलब आम आदमी हैं उन सब को ही ये सुविधा मिलेंगी, दिल्ली की जो फर्स्ट RRTS ट्रेन है उसकी दोस्तों। तो ये बहुत ही एक अच्छा ट्रेन है, आप लोगों को इस ट्रेन का रिव्यू मैं देने ही वाला हूँ। और ये जो दोस्तों जो रैपिड रेल है दोस्तों, दिल्ली से जो मेरठ तक का सफ़र है 55 मिनट में ख़त्म कर देगा। पहले तो दोस्तों 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लेता था, लेकिन अब तो 55 मिनट में। और ये जो दोस्तों जितने भी RRTS ट्रेन हैं, 5 से 10 मिनट के अंतर अंतर आएंगे, और 5 से 10 मिनट के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, बहुत बैक टू बैक बहुत सारे रैपिड रेल का जो प्रोडक्शन है वहाँ पर होने वाला ही है दोस्तों। ये जो रैपिड रेल है, इस पर यात्रियों से जुड़ा हुआ बहुत सारे सुविधा दिया गया है दोस्तों, और भी दिया जाएगा। वो अगर वीडियो देखना चाहते हो तो जाओ, लिंक पे क्लिक करो, आई बटन पे दिया होगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, आप लोग जाके देख सकते हो, बहुत सारी सुविधाएं। और ये जो दोस्तों रैपिड रेल है, ये जो यात्रियां हैं, जो आम आदमी है दोस्तों, उनके बहुत सारे टाइम को बचाने वाला है, ये बहुत अच्छा है दोस्तों। और दोस्तों ये जो RRTS ट्रेन है, देश का सबसे तेज चलने वाला ट्रेन बन जाएगा कुछ ही दिनों बाद, जो इसका इनॉग्रल रन है वो भी होने वाला है, दिल्ली से मेरठ तक का तो नहीं होने वाला है क्योंकि वो लगभग 87 किलोमीटर का सेक्शन है, लेकिन पहले तौर पर दिल्ली से जो साहिबाबाद से गाजियाबाद तक 17 किलोमीटर तक का जो सेक्शन है फर्स्ट खोला जाएगा, और सबसे इंडिया का जो सबसे तेज ट्रेन हो जाने वाला ये कुछ ही दिनों बाद जब इनॉग्रल रन हो जाएगा, 180 KMPH के बहुत ही हाई स्पीड में चलने वाला है। इसका ट्रैक भी दोस्तों बहुत ही डिफरेंट है, तो हालांकि अच्छा है कुछ भी हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो भी अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक भी कर दो, तो और शेयर भी कर सकते हो मेरे वीडियो को। तो चलो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।